हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे और अपनी बगिया में लगे होंगे। देखिए, मैं आज जब जहाँ पर आई, बगिया के बीच में अभी आई हूँ, तो मैंने देखा कि जहाँ से ये मेरा गुलाब का प्लांट है, और ये प्लांट मैंने खुद खुद बनाया था, भाव मैंने खुद इसको कलम से तैयार किया था। और देखिए अब इसमें कितने फूल आए हुए थे, और अब ये सब झड़ गए हैं। तो अब हमें इसको इसमें से दोबारा फूल लेने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए, जब हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए ये प्लांट मैंने कितना बड़ा किया हुआ है, तो इसकी कटिंग भी ज़रूरी है, और इसकी गुडाई और इसको न्यूट्रिशन खाद देना भी ज़रूरी है। इस पोजीशन में जब ये बिल्कुल, देखो इसमें कोई भी फूल नहीं है, कोई भी डोडी नहीं है, ये अपनी पूरी ग्रोथ पर आकर ख़त्म हो चुका है। अब इसकी न्यू ग्रोथ होने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि ये है, हम इसको यहाँ पर से ही काट देंगे। देखिए, ये मैंने इसको काट दिया। ओह माय गॉड, कांटा ही चुभ गया मेरे तो। तो इसको हम यहाँ से इसको ग्रोथ काट देंगे, ताकि इसकी ग्रोथ और होगी। ऐसे ही इसमें से ये भी हम निकाल देंगे। भाव जहाँ जहाँ फूल निकले थे, वहाँ वहाँ से हम निकाल देंगे इसको। और निकालने के बाद ही इसमें और जो है ग्रोथ होगी, तो ये सबसे ज़रूरी है। देखिए, मैं सभी जगह पर, देखिए ये भी काट दिया, ये भी काट रही हूँ, सभी काट दूँगी। और इसके बाद इसकी खुदाई करूंगी इसके नीचे से, और उसके बाद इसमें जो है बर्मी कंपोज जहाँ घर में बनी हुई खाद आप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। बहुत फूल लगा था इसमें, काफ़ी तो आंधी के कारण झड़ गए हैं, और कुछ जो यहाँ पर थे लगे हुए, ये आपने देखे ही हैं, तो मैंने ये निकाल दिए हैं। और जो ये होता है, ये इसका फ्लावर का जो वाला जो प्लांट होता है, फ्लावर्स का, रोज़ फ्लावर्स, इसमें पानी कम देना होता है, हमने पानी कम ज़रूरत होती है इसके बीच में, तो इसको पानी कम दें और इसमें न्यूट्रिशन डालते रहें। इसमें आप चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, ताकि ये और विकास करे, अच्छा बने। देखो, अब इसमें कोई भी फ्लावर्स का नामो निशानी नहीं है। हमने इसकी डोडियों यहाँ पर निकाल दी हैं सारी, और आपको पता होगा कि हम इस डोडियों से भी, मिच्योर डोडियाँ जो होती हैं बड़ी वाली थोड़ी सी, उससे भी हम इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं, कलम से भी ग्रो कर सकते हैं, और इससे भी ग्रो कर सकते हैं। और ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, इसका पहला काम। तो इसके बाद हमारा दूसरा काम होगा इसकी गुड़ाई करना, इस प्लांट की। देखो, हमें गुड़ाई करनी होगी, इसको थोड़ा सा छोड़ना होगा, इसको खुला छोड़ना होगा। इसको आज हम, जिस दिन हम गुड़ाई करते हैं उस दिन इसको छोड़ दें। तो उसके बाद नेक्स्ट डे इसमें हम कंपोस्ट डाल सकते हैं। जैसे हम और प्लांटों में, इसमें जो भी प्लांट हम ग्रो करते हैं उसमें हम कंपोस्ट डालते हैं, तो नेक्स्ट डे इसमें हम कंपोस्ट डालेंगे। इस गुड़ाई करने से इसकी जो वो जड़ें हैं उसको हवा लगेगी, और ये पौधा और ग्रो होगा। इसलिए हमें ज़रूरी है ये भी, जब हमने इसमें से नए प्लांट लेने हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें गुड़ाई भी इसकी करनी पड़ेगी। और गुड़ाई जब हम इसकी करेंगे, तो इसके साथ ही जो जो नदीन होते हैं, जो घास भूसा होता है, वो भी हम निकाल देंगे।
देखिए अब ये साफ सुथरा प्लांट बन जाएगा और इसको पानी कल देंगे। और पानी देने से पहले इसमें हम खाद डालेंगे। इसमें हम वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, घर में बनी हुई कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और इसमें हम चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। अगर हम चाय पत्ती डालते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ एक चम्मच ही चाय पत्ती डालनी है और वो भी हमें सूखी हुई चाय पत्ती, गिल्ली जो चाय पत्ती है जो हम यूज़ करते हैं और हम उसको छान लेते हैं, उसको गिल्ली ही हमने उसको नहीं यूज़ करना, उसको सुखा कर और फिर उसको हमने यूज़ करना है। अगर आपने, आपके पास नहीं है बनी हुई, तो आज आप इसको पत्ती को ले सकते हैं और उसको सुखा सकते हैं कल तक, और कल इसमें आप थोड़ी थोड़ी डालकर उसके बाद आप इसमें पानी डाल, मिट्टी से ढककर और फिर आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो ये पौधा मर जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना है हमने कि इस पौधे में हमने सिर्फ एक चम्मच ही जो है वो डालनी है और वर्मी कंपोस्ट वो भी हमने एक मुट्ठी ही डालनी है और जो कंपोस्ट है वो भी हमने कम ही डालनी है। भाव इसमें ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना, तो इसकी भी लिमिट होती है, ये नहीं कि अगर हमारे घर की खाद है तो हम ज़्यादा डाल देंगे, गोबर खाद भी डाल सकते हैं आप, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आज इसको खुला ऐसे ही छोड़ेंगे, इसमें पानी भी नहीं डालेंगे। सो फ्रेंड्स, अपने गुलाब के पौधों में से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए और इस पौधे को ऊंचाई की तरफ जाने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे और आप भी करें और अपने गुलाब के पौधे को अच्छा बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।